नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ही शुक्ला। आप देख रहे हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान फिर तबाह और फिर लौटा। जी हाँ, फिर लौटा तालिबान। अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार फायरिंग की जा रही है। अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की जा रही है। काबुल से आने वाली उड़ानें रद्द हो गई हैं। काबुल एयरपोर्ट बंद हुआ। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी कब्जा हो गया है। अशरफ गनी ने छोड़ा देश। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर हुआ तालिबानी कब्जा। अशरफ गनी ने छोड़ा देश। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह किया कब्जा। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कांग्रेस का भी जब सवाल आया है, उन्होंने कहा है कि मोदी बताएं कैसे आएंगे हमारे लोग, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक कैसे आएंगे वापस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, पीएम मोदी बताएं कि कैसे आएंगे हमारे लोग। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि ये चुप्पी लोगों के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बताएं कि आखिर कैसे आएंगे हमारे लोग। आपको बता दें कि जो फ्लाइट्स हैं वो भी रद्द हैं। दिल्ली से काबुल जाने वाली सारी फ्लाइट जो है वो रद्द हैं और काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हो रही है। काबुल से आने वाली उड़ानें हुई रद्द। काबुल एयरपोर्ट बंद हुआ। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर हुआ तालिबानी कब्जा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह किया है कब्जा। मोदी बताएं कैसे आएंगे हमारे लोग, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक, भारतीयों के लिए भी चिंता लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी बताएं कि आखिर कैसे आएंगे हमारे लोग अफगानिस्तान में। आपको बता दें कि हालात बेकाबू हैं। दिल्ली से काबुल जाने वाली और काबुल से दिल्ली आने वाली सभी जो फ्लाइट्स हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। तालिबान सिर चढ़कर बोल रहा है, आखिर इसकी ताकत है क्या? तालिबान की ताकत क्या कट्टर धार्मिक संस्थाएं हैं, वो मदरसे जो उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से तालिबान लड़ाके तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हुई है। अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं की वापसी के ऐलान ने अफगानिस्तान को जैसे थाली में परोसकर तालिबान के सामने पेश कर दिया। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से जहां रूस खुश है, तो वहीं पड़ोस के तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में भी वह तालिबान को देख रहा है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। आईएसआई की सीक्रेट मदद। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में भी तालिबानी कब्जा हो गया अफगानिस्तान में। फिर लौटा तालिबान पर बात कर रहे हैं। दुनिया में तालिबान का खौफ बहुत ज्यादा है। काबुल एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि लगातार फायरिंग हो रही है।
अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके। दुनिया में तालिबान का खौफ इतना हो गया है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों चला गया, पर दुनिया के ताकतवर देश कुछ नहीं कर सके। 15 अगस्त की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। पिछले 3 महीने अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते हरकतों को अंजाम दे रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है, हालात बेकाबू हो गए हैं, लोग अपना सामान छोड़कर देश छोड़ने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट जो मुख्य मार्ग है वहां पर भारी भड़कम भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। 20 साल बाद काला इतिहास अफगानिस्तान का एक बार फिर लौट कर सामने आया है और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अजय चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। अजय जी सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एक भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। 20 साल बाद एक बार फिर वो काला इतिहास जो है लौट कर आया, तो सबसे पहले क्या कहना आपको इसको लेकर? देखिए सिचुएशन तो बिल्कुल अनसर्टेन है, देश में कोई सब कोई राज नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट है अशरफ गनी साहब की, वो तो वहां से भाग गए। वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम तालिबान के साथ काम नहीं करेंगे। अब्दुल्ला साहब जो सीईओ थे वो कह रहे हैं कि नहीं हम उनके साथ काम करेंगे। और गनी साहब भी जो वहां से भागे हैं आफ्टर मुल्ला ब्रदर से मिलने के बाद भागी, तो कौन क्या है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसमें आम नागरिक की बड़ी बहुत बुरी हालत है क्योंकि सब लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग टीवी पर फोटोज दिखा रहे हो, विजुअल दिखा रहे हो, इससे लग रहा है कि हर कोई भागने के फिराक में है, लेकिन एक लिमिट है। अमेरिकन ने वहां पे अपना कब्जा कर लिया है तो कम से कम कुछ वो, लेकिन जहाँ जैसा कि अभी तक का अमेरिकन का रवैया रहा उसे तो ये लगता है कि जो उन्होंने एयरपोर्ट पर जो कब्जा किया है वो तब तक वहां रहेंगे जब तक कि उनके अपने लोग वहां से ना निकल जाएं। एक बार वो निकल गए तो फिर उसके बाद वो भी वहां से गायब हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि सिचुएशन अभी 2-4 दिन बहुत ही अनसर्टन होने वाली है और इसमें खास तौर से जो इससे विक्टिम होंगे सबसे ज्यादा वो महिलाएं होंगी, क्योंकि तालिबान हालांकि बहुत रिएश्योरेंसेस दे रहे हैं कि कोई नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनकी कोई अभी भरोसा करना मुश्किल है। जी अजय जी, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, अमेरिका का रुख साफ नजर नहीं आ रहा है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि कई भारतीय नागरिक भी जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनको कैसे वहां से लाया जाए, तमाम सवाल है। पहली चीज तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अमेरिका जो है वो हमेशा से एक पॉलिसी पे काम करता है, वो है अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट उसको यारी दोस्ती उसके बाद आती है नंबर वन। तो इस वक्त अमेरिका का पूरा जो एफर्ट है उसके अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालना है, वो उनका इंटरेस्ट है। यही इंटरेस्ट हमारा इंडिया का भी है कि हमारे अगर हम लोगों को पूरी कोशिश करें इसके लिए, अगर हमको तालिबान से बात करनी पड़े या किसी से भी बात करनी पड़े हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे अपने नागरिकों की जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी हिफाजत उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड बाकी डिप्लोमेटिकली तो हम लोग अभी एडवर्स सिचुएशन में है ही है क्योंकि तालिबान से हमारा कोई खास कॉन्टेक्ट अभी तक था नहीं तो इसलिए ये उम्मीद कर पाना कि कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ आप कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा ये है कि हम लोगों को ये फेट अकम्पली है इस वक्त कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अफगानिस्तान में आज की तारीख में तालिबान काबिज हो गए हैं और ये एडवांटेज पाकिस्तान एडवांटेज चाइना है, इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम किस तरीके से कोशिश करके, पहली हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे जितने लोग वहां हैं, हमारे नॉट ओनली एम्बेसी के लोग, हमारे बहुत सारे लोग बिजनेस इंटरेस्ट बिजनेस के लिए वहां पे हैं, कुछ लोग वहाँ
जो ट्रेडिशनल अफगान में हिंदू और सिख रह रहे थे वो हैं, उनको सबको निकालना वहां से वो सबसे जरूरी है। बाकी चीजें बाद में होंगी, मेरा तो अपना ये मानना है। ये इंडिया इस वक्त की किसी तरह से, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जिसको कि हम सपोर्ट कर रहे हो तो कोलैप्स हो गए, तो सब बात है, आज तो वो है ही नहीं, कोई भी नहीं है जिससे कि आप वहां बात कर सकते हो। आप किससे बात कर सकते हो? तो क्या आप हक्कानी से बात करोगे? तो तालिबान का रुख अभी कुछ खास क्लियर नहीं, हालांकि उन्होंने जो उनके सुहेल शाहीन है उन्होंने तो ये बोला है कि भाई जो आपने बनाया है हम उसको डैमेज नहीं करेंगे और आपने बनाया हम उसको रिकग्नाइज भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी तरह की कोई कह पाना बिल्कुल बहुत जल्दबाजी होगी, ये मेरा मानना है। जी अजय जी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज और भी समझना चाहूंगी। अभी तालिबान की तरफ से एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हम कब्जा कर पाएंगे अफगानिस्तान पर, उनका ये साफ स्टेटमेंट है, तो क्या बहुत आसानी से गद्दी छोड़ दी गई? देखिए ऐसा है कि मुझे क्या लग रहा है, इसमें दो तीन चीजें हैं, उसने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो अफगान गवर्नमेंट थी उसमें शुरू से ही कॉन्ट्रडिक्शंस थे, इलेक्शन जीते थे अब्दुल्ला, लेकिन किसी तरीके से दन फन करके अमेरिकन के सपोर्ट से अशरफ घनी साहब प्रेसिडेंट बन गए, तो उनमें आपस में जो गवर्नमेंट थी उसमें भी कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं था। दो दिन पहले उन्होंने अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको निकाल दिया, तो जो अफगान आर्मी थी वो पेपर पर तो 3 लाख की थी, लेकिन उनका जो अमेरिका ने की उनकी ट्रेनिंग दी थी वो मेरे ख्याल में ये होता है कि जो उनको समझ नहीं थी कि अफगान का दिमाग कैसे काम करता है जी। तो इसलिए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो बोलते हैं कि $83 बिलियन किया, ये किया वो किया, वो सब कोई को काम नहीं आया, क्योंकि आर्मी अगर कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां सिंपल सी बात है कि उनमें आपस में मतभेद थे, और जो आम अफगान था उसके दिल में ये डर था कि भाई अब तालिबान आ गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो शुरू से ही आपने देखा होगा पहले ही दिन 1000 आदमी तो ताजिकिस्तान भाग गए थे जी। तो इसलिए ये जो है ये तालिबान को भी है इतनी बुरी है, और इसमें अमेरिका का रुख बड़ा ही जिसको कहा जाए कि इसने प्रूव कर दिया कि मतलब लिटरली छोड़ के भाग गए। अरे भाई ऐसे थोड़े होता है, तुम 20 साल वहां रहे हो, तुम्हारे अपना एक इंटरेस्ट है, तुमने एक फौज को खड़ी करने की कोशिश की नहीं है, तो वहां से उसका हैंड होल्डिंग तो करो, ये तो छोड़ के भाग गए और इस तरह से भागे। क्योंकि अगर आप गौर से देखिए, मुझे तो लगता है इसमें अमेरिकन कॉम्प्लिसिटी है, क्योंकि जो गाड़ियां वाड़ियां हैं उनकी चाबियां तक उसमें लगी हैं, पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल भरा हुआ है, ये क्या, ये कौन सा भैया, ये कौन सा विड्रॉल है, ये कौन सा विड्रॉल है, ये तो मतलब एक तरह से अमेरिकन अपने एसेट्स को तालिबान को हैंडओवर करके गए। तो ये एक आगे चल के सिचुएशन अगले 2-3 दिन में क्लियर होगी, लेकिन इसमें बाइडेन साहब का जो अमेरिका की जो बेइज्जती हुई है, क्योंकि एक बार फिर प्रूव हो गया कि वो किसी के सगे नहीं है, और हिंदुस्तान को आगे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इसके बारे में उनसे दोस्ती के बारे में एक रिव्यू करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है कि ये रिलायबल दोस्त नहीं है। जब मौका पड़ेगा तो इनका इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो ये आपको भी इसी तरीके से छोड़ के जा सकती है जी। अच्छा जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है तालिबान का खौफ पूरे विश्व भर में व्याप्त है कह सकते हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, उसके बाद फिर चाइना, तो चाइना का भी सपोर्ट मिल रहा है क्या तालिबान को? जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि ऐसा ये चीजें इस तरह से होती जियो पॉलिटिक्स में है। जैसे आपने चाइना का पूछा, चाइना का क्या इंटरेस्ट है कि भाई वो तालिबान से उसने बात की, अभी गए थे वहां पे, ये बात हुई कि भाई तुम उग्यूर के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे और तुम यहाँ के इन्वेस्ट करोगे, हमारे रीबिल्डिंग में मदद करोगे। नाउ चाइना का इंटरेस्ट ये है कि भाई हम सीपीईसी जो पाकिस्तान के थ्रू बना रहा था उसमें कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो ये कोशिश कर रहा था कि हम ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू ईरान पहुंचेंगे। दूसरा कुछ वहां पे जो माइनिंग की एक्टिविटी है जिसमें कहा जाए लिथियम अफगानिस्तान में काफी मात्रा में है, और लिथियम की आवश्यकता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसकी जो बैटरी बनती है उसके लिए लिथियम आवश्यक है, तो चाइना का वो इंटरेस्ट है।
दूसरा एक तो उनका इंटरेस्ट ये है कि जो उग्यूर मुस्लिम है ETIN है जो जिंजियांग में, उनके ऊपर तालिबान उनको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा ये है कि भाई तुम यहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ये इस तरीके से अफगानिस्तान की तरक्की होगी। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि वो उग्यूर तो नहीं आएंगे और लिथियम ही ले सकेंगे, तो ये चाइना का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ देख रहा है एंड इसलिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां क्या है कि TTP जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो अभी करीब 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान में ऑलरेडी आ गए। दूसरा, तालिबान की गवर्नमेंट जहाँ स्टेबल होगी वो पाकिस्तान से बहुत दोस्ती नहीं रख पाएगी, क्योंकि जो तालिबान है ये पश्तून है और पश्तून जो है वो ड्यूरिंग लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री उसको नहीं मानते, तो पाकिस्तान चाहेगा कि उसको डिफैक्टो बॉर्डर कर दिया जाए। वो ये अफगान अभी जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी वहां वो नहीं होने देगी। तो ये सिचुएशन बड़ी ही हो सकता है शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होगा। और जो हमारे ऊपर जो इसका असर आने वाला है, एक तो डिप्लोमेटिक सिस्टम इस वक्त नहीं है, उनके तालिबान से हमारे कोई खास कॉन्टेक्ट नहीं था। रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आएंगे, जो हमारे वहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट थे वो इम्पेक्ट हो गए। एंड जो सबसे बड़ी चीज है कि इन 6 to 8 months टाइम ये जो वहाँ पे जब वहाँ गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, तो जो लड़ाके तालिबान के या उनके सपोर्ट में लश्करे तौबा या जैश मोहम्मद के हैं जी, उनका कश्मीर में आने की भी चांसेस हैं। हालांकि आज की तारीख में हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क और रिस्पांस कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग है जी, लेकिन आप कह नहीं सकते कि क्योंकि अगर वो आ तो सकते ही, तो ये तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बिल्कुल अच्छा जी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी अभी भी हमारी यही है कि हम पहले उन भारतीय नागरिकों को वापस अपने पास लेकर आए, और चाहे उसके लिए जैसे कि आपने कहा कि तालिबान से बात भी क्यों ना करनी पड़े, देखना होगा इस पर सरकार का क्या रुख होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानी कब्जा हो गया है, फिर लौटा तालिबान 20 साल बाद करीब एक बार फिर वो काला इतिहास जो है वो लौट कर आ गया है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपना सामान ऐसे ही छोड़कर भागने की तैयारी में है। जो मुख्य मार्ग है वहां पर एक भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है, हर कोई चाहता है कि हम देश छोड़कर यहां से जल्दी चले जाए। तालिबान लगातार आतंकी हरकतों को अंजाम देता आ रहा है, ना केवल अफगानिस्तान बल्कि कई देशों के लिए नासूर बन चुके तालिबान ने आखिरकार अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर ली। अचानक आए सियासी परिवर्तन और तालिबान के अचानक सत्ता के नजदीक पहुंचने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, और इन्हीं चर्चाओं में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भूमिका को भी संदेह के घेरे में देखा गया। देखिए रिपोर्ट। सालों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। राजधानी काबुल तक पहुंचने के बाद अब इस कट्टर इस्लामिक संगठन के हाथ में सत्ता आने का आधिकारिक ऐलान लगभग हो गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप दी। आपको बता दें कि तालिबान के लड़ाकों ने राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल लड़ाकों को भी शहर के गेट पर खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं और अंदर दाखिल होने से मना किया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा तब हुआ जब अमेरिका और नाटो बलों ने अफगानिस्तान से अपना सैन्य बल हटा लिया। देश से सेना की वापसी के साथ ही तालिबान की रफ्तार तेज हो गई और अब राजधानी उनके चंगुल में फंस गई है। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक फिलहाल लड़ाके राजधानी से बाहर ही रहेंगे और जब तक सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती वे अंदर दाखिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का दावा है कि सभी नागरिकों का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काबुल छोड़कर भागे अमेरिकी अफगानी नागरिक। अमेरिका अपने राजनयिकों नागरिकों को निकालने में जुट गया। काबुल में चिनुक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। तालिबान के लड़ाके कलाकान, काराबाग और पघमान जिलों में मौजूद हैं। चरमपंथियों ने इससे पहले जलालाबाद पर कब्जा किया। अमेरिका, ब्रिटेन
और नाटो के उसके सहयोगी देशों ने पिछले 20 सालों में काफी समय अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देने में खर्च किया था। सैनिकों के वेतन और हथियारों के लिए अफगान हुकूमत को अरबों डॉलर की रकम दी गई। इसमें से ज्यादातर पैसा अमेरिका ने दिया। जुलाई 2021 की रिपोर्ट में स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान ने बताया कि अफगानिस्तान की सुरक्षा पर 88 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम खर्च की जा चुकी है। अफगानिस्तान के एयरफोर्स अपने 212 लड़ाकू विमानों के रखरखाव को लेकर ही संघर्ष करता रह गया। तालिबान की कमाई का बड़ा जरिया ड्रग्स के कारोबार से होने वाली आमदनी है और ये मदद उन्हें पाकिस्तान की ओर से मिलती है। वहीं तालिबान का शिकार हो चुकी मलाला यूसुफजई का कहना है कि हम इसे पूरे सदमे में देखते हैं क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया है। मुझे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के पैरोकारों की गहरी चिंता है। वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय शक्तियों को तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए, तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और शरणार्थियों और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। तालिबान ने कब्जे के बाद कई बार अपने बयान बदले। पहले तालिबान के प्रवक्ता का बयान आया कि उसके लड़ाके काबुल के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही गोलियां चलाएंगे, लेकिन देर शाम उसने काबुल में घुसने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्थितियां विपरीत हो गईं। अब देखना यह है कि संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान की कहीं से मदद हो सकती है या कट्टर तालिबान के हाथों में सरकार की बागडोर आ जाएगी। अफगानिस्तान में इस समय सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे देने के बाद यहां पर अब तालिबानों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। पूरे मामले के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। महासंकट के दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान। काबुल पर तालिबानी हुकूमत, तालिबान की सरकार से बातचीत जारी। अहमद जलाली को सत्ता सौंप सकते हैं गनी। तालिबान के आतंकियों का काबुल पर कब्जा। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। प्रमुख के रूप में अहमद जलाली का नाम आगे। राष्ट्रीय सुलह के लिए की जा रही है मध्यस्थता। उच्च परिषद के प्रमुख कर रहे हैं मध्यस्थता। अब्दुल्ला प्रक्रिया में कर रहे मध्यस्थता। तालिबान ने काबुल की बगराम जेल को तोड़ा। पुले चरखी जेल को भी तालिबान ने तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं अब अशरफ गनी ने खुद बताया कि आखिरकार उन्हें अपने देश अफगानिस्तान को क्यों छोड़ना पड़ा। गनी ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से देश छोड़ने की वजह बताई है। अशरफ गनी ने रविवार को कहा कि तालिबान की राजधानी काबुल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए देश को छोड़ दिया था। یا عاجل روختی ها کرد زموکت زداده زدق وزید لعمل بیزایشوی و هوادوالو تا لازم رسیدگی او کرد دی افغانستان دی امنیتی و دفاعی زوا کنو دی میلان اوزلاورتی ها درانوائی کن زدق بلولس اواتن دی دفاع پلاره که به قوی هور و داریدل لخ بلولس نه هم منه نکن زدق بل امنیتی او دفاعی زوا کنو ترچنگ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है और उसके बाद उन्होंने ये फेसबुक पे वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि खून खराबा ना हो इससे हमने देश छोड़ दिया। कजनी प्रांत के परिषद सदस्य अमानुल्ला कमरानी ने बताया कि शहर के बाहर बने दो बेस अब भी सरकारी बलों के कब्जे में हैं। इस बीच अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक लश्करगाह की लड़ाई तेज हो गई है। हेलमंड से सांसद नसीमा नियाजी ने बताया कि बुधवार को आत्मघाती कार बम हमले में राजधानी के क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया था।
गुरुवार को तालिबानी ने मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ ने नजदीक के गवर्नेंस कार्यालय में शरण ली जो अब भी सरकारी बलों के कब्जे में है। आपको बता दें कि अब तक किन पर कब्जा रहा है जिसमें जनाज है शेबरगान सरेपुल कुंदुज तालुकान एबक फरा पुलेखुमारी बदक्षा गजनी हेरात कंधार अब तक इन पर है कब्जा। अफगानिस्तान के हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। अफसर जो गनी हैं उन्होंने भी फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने बताया कि खून खराबा ना हो इसलिए हमने देश को छोड़ दिया। हालांकि नागरिक को जिस तरीके से वो अपना सामान छोड़कर देश से जाने की तैयारी कर रहे हैं एयरपोर्ट्स मुख्य मार्ग वहां पर भारी भरकम भीड़ देखने को लगातार मिल रही है और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के नागरिक भी वहां पर फंसे हुए हैं और लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब सरकार पर हमलावर हो रहा है कि मोदी जी बताएं कि आखिर भारत के लोग वापस कैसे आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।